Hello everyone. I hope you guys can hear my voice loud and clear. Hello Chetan. Hi, hi. Perfect. Can you guys confirm अगर आपको मेरी आवाज proper से आ रही है तो? विनय बाबू, हेलो विनय बाबू, नमस्ते भैया जी, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच. सो विल स्टार्ट इन अ मिनट और सो, लेट मोर पीपल ज्वाइन इन. ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच, सुपर, थैंक यू खुशी, थैंक यू हामिद. Superb, superb. So yes, we have enough people to start today's live. Hi, Mumtaz Hamid from Doha, Qatar. Vinay Babu, हम जहरी इंसान हैं, तो झूठ का हम पूरा strongly oppose करते हैं. खराब बात, बुरी बात, झूठी बात चुभती है. तो उसको जहर से ही काटा जा सकता है, इसीलिए आई होप दैट हेल्प्स. थैंक यू सो मच छाया. हाय अविनाश फ्रॉम पोलैंड. सुपर गाइस, सो वी क्रॉस द 250 मार्क्स, सो नाउ वी आर गुड टू स्टार्ट. सो जनरली हम मिलते हैं, लेट्स स्टार्ट, थोड़ा एक दो मिनट बात करते हैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू. हालांकि मेरी कोशिश उसमें भी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन कैप्सूल फॉर्म में दे पाऊँ, और वो भी जो इफ़ेक्टिव है उसमें. आई कट द बुलशिट, यानी कि जो नॉनसेंस चीज़ें आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है या इंटरनेट पे बताई गई हैं, तो मेरी एफर्ट यही रहती है कि उन सब चीज़ों से आपको बचाऊँ. एज आई ऑलवेज से, झूठ बहुत तेज़ी से फैलता है. जो हमने स्कूल में एक बात सीखी थी कि अगर कोई आपको सही सिखाएगा तो शायद टाइम लगेगा उसको याद करने के लिए. कोई वर्ड अगर हम एक गलत पिक कर लें, गलत चीज़ सीख लें, तो उसको भूलना बड़ा मुश्किल है. सो सिमिलरली इंटरनेट पे इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, उसको ग्रास्प करना बड़ा आसान है, बड़ा क्विक है, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटजी काम करती है कि वो आपको वो बेचना चाहते हैं या वो सपना बेचना चाहते हैं जो आप लोग खरीदना चाहते हो, रेदर देन जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है. सो आई एज अ पर्सनल कोच वर्क ऑन अ मॉडल कि आई गिव यू व्हाट यू नीड रेदर देन व्हाट यू वांट. सो वांट गलत हो सकती है, बट आपकी नीड क्या है वो बड़ी सिंपल है कि आपको वेट लॉस करना है, आपको फैट लॉस करना है, आपको मसल बिल्ड करना है, तो उसका बड़े सिंपल सी फिलॉसफी है. ठीक है, तो उसमें से आज एक दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे. एक वीडियो मैंने बनाई थी, एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि कार्डियो वर्सेस वेट ट्रेनिंग, जिसमें आप ज़्यादा फैट बर्न करते हो. तो बेस्ड ऑन दैट कैप्सूल इन्फॉर्मेशन, तो उसमें सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन थी कि ड्यूरिंग कार्डियो आप ज़्यादा फैट बर्न करते हो स्पेसिफिकली. ठीक है, अब पूरी बात करते हैं. सो पूरी बात क्या है, पहले कार्डियो की बात करते हैं, फिर वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं, इसके दौरान कुछ मिथ्स ब्रेक करेंगे. सो सबसे पहले कार्डियो में हम दो तरीके से चीज़ें मेज़र करते हैं. सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव तरीका है आपकी हार्ट रेट, जिससे हम ट्रेनिंग की इंटेंसिटी मेज़र करते हैं. आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोगों को इंटेंसिटी के बारे में पता होगा, बट आई वुड लाइक टू ऐड कि इट्स एफर्ट इन द एक्सरसाइज. एंड हाउ डू वी मेजर एफर्ट आपकी कम है या ज़्यादा है, आपकी हार्ट रेट के थ्रू. तो अगर आपकी हार्ट रेट किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के दौरान, कार्डियो की बात कर रहे हैं, ज़्यादा है तो आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है. अगर आपकी हार्ट रेट कम है तो आपकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी कम है. तो सिंपली हार्ट रेट बढ़ाने से, एफर्ट बढ़ाने से आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, हार्ट रेट कम करने से, एफर्ट कम करने से आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. अब इसमें दो चीज़ें समझते हैं, एक है स्टेडी स्टेट, शायद आप लोगों ने वर्ड सुना हो, एक है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. सो दोनों फेमस मॉडल हैं. नॉर्मल भाषा में बात करूं तो एक
कम हार्ट रेट पे, कांस्टेंट हार्ट रेट पे कार्डियो करना लंबी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटों के लिए, दैट्स कॉल्ड स्टेडी स्टेट। यानी हार्ट एक स्पेसिफिक उस पर काम कर रहा है, नंबर पे काम कर रहा है। और इंटरवल ट्रेनिंग होता है कि हार्ट रेट को हम ऊपर लेके जाते हैं, फिर हम ड्रॉप करते हैं, फिर ऊपर लेके, तो स्प्रिंट लगा रहे हैं, फिर वॉक कर रहे हैं, फिर स्प्रिंट लगा रहे हैं, फिर वॉक कर रहे हैं, अगर हम रनिंग या वॉक की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी और भी एक्टिविटी में हम इंटरवल ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो वहाँ भी इजिली पॉसिबल है। तो हम क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं, हम तेज क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं, हाई इंक्लाइन पे क्रॉस ट्रेनर या इलेप्टिकल कर रहे हैं, फिर हम इजी इलेप्टिकल कर रहे हैं, तो ये एक इंटरवल ट्रेनिंग की एग्जाम्पल। अब दोनों में इफेक्टिव क्या है? सो आइडली अगर आप एक नॉविस हो तो आपके लिए बेस्ट रिकमेंडेड नहीं है इंटरवल ट्रेनिंग के लिए जाना, तो आपके लिए स्टेडी स्टेट बेस्ट तरीका है और उसको भी ग्रेजुअली आपको इम्प्रूव करना है, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। तो जैसे आप बिल्कुल बिगनर हो, कभी कोई एक्टिविटी नहीं की है, तो यू माइट स्टार्ट विद 5 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी, जैसा मैं रिकमेंड करता हूँ। जरूरी नहीं कि फैट लॉस के लिए आपको 1 घंटा करना है, तो आपको 1 घंटा नहीं कर पाए तो आपको करना ही नहीं है। आप 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करके उसको ग्रेजुअली 1 घंटे तक लेके जा सकते हो। तो दैट इज स्टेप वन। हेयर वी प्राइमरली डू स्टेडी स्टेट। उसके बाद अगर आपका उतना फिटनेस लेवल है कि 60 मिनट की आप एक्टिविटी कर पा रहे हो, फिर आप इंटरवल ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। हालांकि हेल्थ कंडीशन, नी कंडीशन, बैक कंडीशन, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, बट मैं एक जनरल पॉपुलेशन के तौर पे आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। तो स्टेडी स्टेट में हो क्या रहा है, आप एक पर्टिकुलर हार्ट रेट पे प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फैट बर्न कर रहे हो ड्यूरिंग द एक्टिविटी। जैसा कि आप में से कुछ एक लोगों को पता होगा कि हम रेस्टिंग स्टेट में ज्यादा एनर्जी फैट की बर्न करते हैं। ये चीज बड़े ध्यान से सुनना, रेस्टिंग स्टेट में हम जब बैठे हुए हैं तो प्राइमरली जो एनर्जी का सोर्स है वो फैट है, और सेकेंडरी जो सोर्स है वो जो हमने खाने पीने की जो एनर्जी है, ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट समझते हैं। जैसे ही हम एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो उसमें कार्ब्स, जैसे हार्ट रेट ऊपर जाती है, कार्ब्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, फैट की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। अप्रॉक्स जब हम 50-60% अपने हार्ट रेट या 70% तक काम करते हैं, तब तक फैट की जो कंजप्शन है, खपत है, एक्टिविटी में ज़्यादा है। जैसे ही हम उसके बियॉन्ड जाते हैं 80-90% पे या 100% पे, वहाँ हम कार्ब्स ज़्यादा बर्न करते हैं। तो जनरली लोगों में ये एक परसेप्शन रहती है कि अगर हम हाई इंटेंसिटी पे एक्टिविटी करते हैं तो हम फैट बर्न नहीं करते, तो हमें लो इंटेंसिटी पे ही एक्टिविटी करनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स भी ऐसे हैं जो लो इंटेंसिटी पे कार्डियो करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उनको अगर प्योरली फैट बर्न करना है तो उनको कम इंटेंसिटी पे एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये पूरा सच नहीं है। और सिमिलरली इस बेंट ऑफ माइंड वाले लोग हैं जो सिर्फ इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं ये सोच के कि उसमें वो ज़्यादा फैट बर्न करने हैं या उसका EPOC ज़्यादा है। तो पूरी सच्चाई ये है कि जब हम रेस्टिंग स्टेट में हैं तो हम कम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, वर्सेस जब हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। हम ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम और ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। अब इसमें फैट की जो परसेंटेज है वो अलग अलग हो सकती है, तो उसके लिए जब आपका एक सर्टन फिटनेस लेवल अचीव हो जाता है तो आपके लिए दोनों ही ऑप्शंस आइडियल हैं। क्योंकि जब आप हाई इंटेंसिटी, जब आप ज़्यादा कार्ब्स भी बर्न कर रहे हो, उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जिसे बोलते हैं EPOC, यानी कि आप एक्सरसाइज के बाद भी कैलोरीज ज़्यादा बर्न करते हो। एक सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करते हो, जोर लगा के एक्टिविटी करते हो, तो उसके 1-2 घंटे तक भी आपको थोड़ा सांस चढ़ा रहता है, आपका टेम्परेचर बढ़ा रहता है, आपको स्वेट आता रहता है। तो हो क्या रहा है, उस टाइम पे बॉडी रेस्टिंग स्टेट के मुकाबले, हालांकि बॉडी रेस्टिंग स्टेट में है, ज्यादा कैलोरीज यूज कर रही है। और जैसा मैंने पहले बताया कि रेस्टिंग स्टेट में हम फैट ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसमें दो चीजें हो रही हैं। जब आप हाई इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ड्यूरिंग एक्टिविटी भी ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हो, और आप पोस्ट एक्टिविटी भी कैलोरीज बर्न कर रहे हो जिसमें फैट ज्यादा है। सो डू नॉट स्टिक विद द फैक्ट कि आपको सिर्फ लो इंटेंसिटी एक्टिविटी करके पूरा फैट बर्न करना है। अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा है तो आप इंटरवल ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट करके हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी, तीनों चीजों पे आपको करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो हमेशा ही लो इंटेंसिटी पे करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंटरवल ट्रेनिंग पे करते हैं। तो आपको इन सारी ऑप्शंस को अपनी ट्रेनिंग में शामिल करना होगा उसको और बेटर करने के लिए। सो मेक श्योर जब भी आप अपनी कार्डियो करते हो तो आप ज्यादा, आई एम श्योर आपका अगर गोल फैट बर्न करना है, तो
तो आपको लो इंटेंसिटी ऐड करना है, आप डिफरेंट डेज पे चीजें ऐड कर सकते हो। तो आप हफ्ते में 2 दिन लो इंटेंसिटी कर लो, 2 दिन मॉडरेट इंटेंसिटी कर लो, 2 दिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर लो अगर आपका फिटनेस लेवल है। तो इस तरीके से आप 100% इस ट्रेनिंग को इन्वॉल्व करके उसका आप फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो ये बात रही कार्डियो के बारे में। दूसरी बात है वेट ट्रेनिंग के बारे में। तो अब जनरली जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि आप कार्डियो में ड्यूरिंग एक्टिविटी फैट ज्यादा बर्न कर रहे हो, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आप रेस्टिंग स्टेट में फैट ज्यादा बर्न कर रहे हो। तो वेट ट्रेनिंग यहां पे करनी क्रूशल कैसे है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जो बंदा फिट है, जो बंदा मसल मास ज्यादा है, वेट ट्रेनिंग अच्छी करता है, वो हैवी या बहुत ज्यादा खाना खाने के बावजूद भी उसका वेट नहीं बढ़ता है। वर्सेस एक बंदा ओवर वेट या ओबीज है, वो कम खाना खा रहा है तो भी उसका वेट बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ मेडिकल कंडीशन को छोड़ के नॉर्मल बात करते हैं, तो उसका बड़ा कारण है उसका मेटाबॉलिक रेट कम है या ज्यादा है। अब जैसा मैंने बहुत सारी वीडियोज में पहले भी बताया कि मेटाबॉलिक रेट को लंबी देर के लिए अच्छे से बढ़ाने का जो सबसे आइडियल तरीका है रेस्टिंग मेटाबॉलिक खास तौर पे, वो है आपका मसल मास का बढ़ जाना। तो जो लोग बहुत ज्यादा वेट्स उठाते हैं, जो अच्छे से मसल बिल्ड कर लेते हैं, उनकी बड़े हुए मसल्स की वजह से रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। तो अगर तकरीबन आपने 5 kg मसल्स बढ़ा लिए तो लगभग 500 कैलोरीज की आपका कंजप्शन या मेटाबॉलिक बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वेट ट्रेनिंग का जो जनरली इग्नोर रहता है। तो उस कारण से आपको वेट ट्रेनिंग, चाहे वो ड्यूरिंग जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, अनलेस कि आप सर्किट ट्रेनिंग कर रहे हो, रेस्ट नहीं ले रहे, हार्ट रेट को हाई रख रहे हो, अदरवाइज जब भी आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप ड्यूरिंग एक्टिविटी कार्बोहाइड्रेट्स बर्न कर रहे हो, फैट बर्न नहीं कर रहे। ठीक है, तो फैट, लेकिन जब आप रेस्टिंग स्टेट में हो तो इसका भी ईपीओसी स्टेडी स्टेट कार्डियो के मुकाबले में ज्यादा है। तो पोस्ट वर्कआउट भी आप ज्यादा बॉडी एनर्जी की डिमांड कर रही है अपना नॉर्मल स्टेट में आने के लिए, और मसल आपने ब्रेक डाउन किया है तो उसको भी टाइम लगेगा रिपेयर होने में, तो उसमें भी बॉडी ज्यादा एनर्जी बर्न करेगी। सो वेट ट्रेनिंग भी इक्वली इफेक्टिव है लॉन्गर टर्म के प्रस्पेक्टिव में, क्योंकि आप 1 kg मसल एक हफ्ते या एक दिन या एक महीने में शायद ना बना पाओ, बट इवेंचुअली जब आप उस 1 kg मसल पे काम करते हो तो वो आप आने वाले टाइम में आपको फैट बर्निंग में हेल्प करेगा। तो कार्डियो अगर आपको ड्यूरिंग एक्टिविटी हेल्प कर रहा है, फैट आपको बिना एक्टिविटी और लॉन्गर टर्म में भी बेनिफिट दे रहा है। तो आइडियली आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट तब होती है जब आप स्ट्रेंथ और कार्डियो ट्रेनिंग करते हो। अब स्ट्रेंथ में एक बहुत बड़ी परसेप्शन है कि हमें वेट लॉस करना है तो हमें कम रेपिटेशन, ज्यादा रेपिटेशन करने हैं, कम वेट उठाना है, और अगर हमें मसल बिल्ड करना है तो हमें ज्यादा वेट उठाना है, कम रेपिटेशन करने हैं। ये एक परसेप्शन है। किसी भी इंडिविजुअल को उसके फिटनेस गोल के हिसाब से रेप रेंज करनी है, पर वो मसल या स्ट्रेंथ का गोल हो सकता है, फैट लॉस के गोल का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का प्राइम फोकस है स्ट्रेंथ, चाहे वो स्ट्रेंथ इंड्यूरेंस है, चाहे वो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, चाहे वो मैक्सिमल स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाना। तो उसके लिए रेप रेंज वेरी करती है। फैट लॉस में कोई भी इंडिविजुअल 1 से 5, 8 से 12, 12+ रेपिटेशन करके भी फैट लॉस कर सकता है, वेट लॉस कर सकता है, अगर ऑब्वियसली वो अपना कार्डियो और डेफिसिट इंश्योर कर रहा है। लेकिन अगर आप वो डेफिसिट इंश्योर नहीं कर रहे, तो चाहे आप 20-25 रेपिटेशन भी कर रहे हो तो भी आपका वेट लॉस फैट लॉस नहीं होगा। एक चीज और मैं बहुत क्रूशल यहां पे ऐड करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। वेट ट्रेनिंग करने का ये मतलब नहीं है कि टिक कि वेट ट्रेनिंग हमारे वर्कआउट में थी और हमने खत्म कर दी है। इट्स जस्ट लाइक यू गो टू अ स्कूल एंड कम बैक। सो गोइंग टू द स्कूल एंड कमिंग बैक इज नॉट एजुकेशन। यू नीड टू गो टू द स्कूल, अटेंड द क्लासेस, पे अटेंशन, लिसन एंड लर्न एंड कम बैक एंड प्रैक्टिस। दैट्स एग्जैक्टली द पर्पज ऑफ गोइंग टू द स्कूल। इट्स नॉट अबाउट यू मार्क योर अटेंडेंस। सो हैविंग सेड दैट, सिमिलरली वेट ट्रेनिंग का यह मतलब नहीं है कि आपने जिम में जाके 1-2 kg का डंबल उठाया, कोच ने बोला इसको 10 बार करना है और आपने 10 बार कर लिया, और घर आके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद फिर बोला कि यार ये जिम करने का कोई लंबा चौड़ा फायदा तो होता नहीं, मैं इतनी देर से जिम जा रहा हूं तो मुझे फायदा नहीं हुआ। अगर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा तो सिर्फ 20% लोगों को जिम जाने के बाद रिजल्ट अच्छे आते हैं,
वो 20% वही लोग हैं जो अपनी अच्छी एफर्ट्स डालते हैं, जो अपनी बॉडी को पुश करते हैं, ना कि सिर्फ वो स्कूल वाला टिक मार करते हैं कि हमने वेट ट्रेनिंग कर दी। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो 2 kg 3 kg वेट के साथ सारी एक्सरसाइज करके आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद 2 kg 3 kg डंबल? आपकी बॉडी में हर एक मसल की स्ट्रेंथ अलग है। कोई मसल बड़ा है, कोई मसल छोटा है, कोई मसल अकेला काम कर रहा है, कोई मसल मिलके काम कर रहा है और बहुत सारे मसल्स के साथ। तो वहां पे जो चैलेंज है कि अगर उनकी स्ट्रेंथ अलग है, उनकी कैपेसिटी अलग है, तो उनको चैलेंज भी अलग लेवल का मिलना चाहिए। आप 2-3 kg डंबल मजबूरी है तो अलग बात है कि साथ आप पूरी बॉडी को ट्रेन नहीं कर सकते। किसी मसल को 5 kg चाहिए, किसी को 10 kg चाहिए, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 30 kg भी चाहिए। जस्ट बिकॉज यू हैव शॉर्टेज ऑफ वेट्स और यू डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, योर बॉडी विल नॉट चेंज बेस्ड ऑन दैट फैक्ट। तो आपको जब भी वेट ट्रेनिंग करते हो अपनी बॉडी को उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड पुश करना है। व्हेन आई से दैट डजंट मीन कि आप 10 किलो उठा रहे हो तो आपको 100 किलो उठाना है। 10 से नेक्स्ट लेवल 11 है, 11 से नेक्स्ट लेवल 12 है, 12 से नेक्स्ट लेवल 13 है। तो अगर आप किसी भी वेट के साथ 10, जो भी आपकी रेफरेंस है, 10 या 15 या 20 वो आराम से कर पा रहे हो तो आपको नेक्स्ट वेट उठाना है। अदरवाइज सेम वेट, अगर आप अपनी बॉडी से खुश हो तो आप सेम वेट उठाते रहो, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को बेटर करना चाहते हो, फ्यूचर रेडी करना चाहते हो, तो आपको पुश करना पड़ेगा। आई एम श्योर देयर विल बी पीपल जो शायद अपने वेट से खुश हैं तो वो 2 kg डंबल उठा रहे हैं और जेनेटिक्स अच्छे हैं बाय डिफॉल्ट। वो लेट्स से हम एक कॉमन परसेप्शन है कि पतले हैं तो फिट हैं, तो लेट्स अज्यूम कि वो पतले हैं और उनको लगता है वो फिट है तो वो 2 kg डंबल उठा रहे हैं, बट वो फ्यूचर रेडी नहीं है। तो आने वाले टाइम में क्योंकि अपने मसल को पुश नहीं कर रहे तो मसल विल गेट वीकर, क्योंकि उसके पास कोई कारण नहीं है खुद को तगड़ा और मजबूत रखने का, तो मसल ड्रॉप करेगा। तो उस केस में आइडियल यही है कि चाहे आप पतले हो, चाहे आपको लगता है आप फिट, अगर आपको लगता है कि आप अपना ऑप्टिमम फिटनेस अचीव करना कर चुके हो, उसके आगे नहीं जाना, तो वो करते रहो। लेकिन अगर आपने अपना फिटनेस गोल अचीव नहीं किया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ एंड्यूरेंस, तो आप खुद को चैलेंज करो एटलीस्ट 5% के आसपास, जब सक्सेसफुली लास्ट आप अपना पूरा कर लेते हो। सो ये एक बेसिक है। तो इसमें कहीं भी हम रेप रेंज की बात नहीं करते हैं। ऑब्वियसली सेफ्टी के लिए हम जनरली 1 से 5 रेपिटेशन जिन लोगों का वेट लॉस है उनको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी वो प्रिपेयर नहीं है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने के लिए। बट दे कैन आइडली ट्रेन एनीथिंग बिटवीन 60-80% तक वो ट्रेन कर सकते हैं, यानी कि वो 8 से 12 रेपिटेशन भी कर सकते हैं, 12 से 16 भी कर सकते हैं और 16 से 20 भी कर सकते हैं। तो एक अच्छे ट्रेनिंग मॉडल के अंदर उनको इन सब रेप रेंजेस के अंदर स्ट्रेंथ करनी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 चीजें जो मैं आपको आइडियली बताना चाहता था, एक स्टेडी स्टेट और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, दोनों आप अपनी ट्रेनिंग में शामिल कर सकते हो प्रोवाइडेड आपका बेसिक फिटनेस लेवल है इंटरवल ट्रेनिंग करने का। नहीं तो आप स्टेडी स्टेट को ग्रेजुअली इंप्रूव करते रहिए। आप 10 मिनट 5 मिनट से शुरू करके 60 मिनट तक धीरे धीरे जा सकते हैं। सिमिलरली जब आप वेट ट्रेनिंग की बात कर रहे हो तो आपको एक ही रेप रेंज पे सारी उम्र ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रेप रेंज को बदलते रहिए और बॉडी को चैलेंज करते रहिए, अपने वेट को बदलते रहिए, अपने रेस्ट को कम या ज्यादा करते रहिए, वो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा आपकी ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराएगा। और एक और जनरली ये रहता है कि मतलब ट्रेनिंग में कोई चीज कितनी होनी चाहिए, अब हमेशा ये गोल पे डिपेंड करता है। अगर एक उस चार्ट की बात करें, एक पाई चार्ट बनाएं और उसमें हम देखें कि कितने परसेंट आपके टाइम का ट्रेनिंग में जा रहा है वेट्स में, कितने टाइम कार्डियो में जा रहा है, कितने टाइम फ्लेक्सिबिलिटी में जा रहा है। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100% वेट ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100% कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं, और कुछ एक लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपके टाइम के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आपको वहां पे फोकस देना है। तो अगर आपके लिए सबसे आइडियल गोल है फैट लॉस, तो ऑब्वियसली आप कार्डियो निग्लेक्ट नहीं कर सकते। वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, यू नीड टू इंश्योर दैट आप 50-60% उसमें आप कार्डियो करोगे, एंड सिमिलरली 30% 40% आप अपना टाइम स्ट्रेंथ में बिताओगे,
और रिमेनिंग लगभग 10% जरूरी है जो आप अपना फ्लेक्सिबिलिटी पे भी, जो आपको इंजरी से, फ्यूचर में होने वाले इंजरी से, झटकों से बचाएगा, उस पर भी आप काम करोगे। सो ऐसे ही अगर किसी का गोल प्राइम स्ट्रेंथ बिल्ड करना है और वेट लॉस या फैट लॉस सेकेंडरी है, तो वो 60% के आसपास अपना स्ट्रेंथ पे फोकस कर सकता है, 20-30% अपना कार्डियो पे फोकस कर सकता है, 5-10% अपना फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो आपके टोटल टाइम में आपके प्राइम फोकस के हिसाब से आप चीजें कम या ज्यादा करते हो, राइट? तो इस तरह से आप अपनी ट्रेनिंग को इफेक्टिवली प्लान कर सकते हो। अगर मैं ACSM की गाइडलाइंस की बात करूं और बेटर आसान समझने के लिए बता दूं, तो सिंपल बोलता है कि अगर आपको अपनी हार्ट हेल्थ को ठीक रखना है, अब हार्ट हेल्थ की बारी आई है तो राजू श्रीवास्तव का काफी जिक्र चला है आजकल ऑनलाइन और हर बंदा एक्सपर्ट है, तो एक बात मैं बड़ी स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा, हमें ना करने का बहाना चाहिए, खासतौर पे उन लोगों को जो बोल रहे हैं कि देखो जिम जाने से तो हार्ट अटैक आ रहा है। अब कितने लोग हमने पूरे एक साल में, लाइफ टाइम में सुने होंगे जिनको जिम जाने की वजह से हार्ट अटैक आया है, और कितने लोग हम खुद पर्सनली जानते होंगे अपने आसपास जिनको जिम ना जाने यानी कि एक्सरसाइज ना करने की वजह से हार्ट अटैक आया है। तो सारा खेल कन्वीनियंस का है, तो जो चीज हमें कंफर्टेबल लगती है हम वो करते हैं, जो हमें अनकंफर्टेबल लगती है वो हम बोलते हैं कि नहीं करते हैं। सो एक्सरसाइज विल ओनली एंड ओनली स्ट्रेंथन योर हार्ट। अगर आप दुनिया के बेस्ट एथलीट्स को देखते हो तो यू विल सी कि उनका जो लाइफ स्पैन है वो लंबा है, वो ज्यादा देर के लिए जीते हैं और क्वालिटी लाइफ जीते हैं, वर्सेस जो लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हैं तो उनको लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, उनकी लाइफ का जो टाइम है वो भी कम है और उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो भी कम है। ऐसी इक्का दुक्का एग्जाम्पल्स विच आई वोंट कंसिडर इवन 0.1%, और उसमें भी बहुत और कारण हो सकते हैं, उसकी हार्ट की कंडीशन, उसकी फैमिली हिस्ट्री और उसकी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल, तो वो कारण उससे ज्यादा बड़ा और रीजनेबल है रेदर देन जस्ट ब्लेमिंग द जिम। क्योंकि लोग ब्लेम करना चाहते हैं, कंफर्टेबल होना चाहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, तो वही लोग ये बोलेंगे कि एक्सरसाइज करने से ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, कुछ यंग लोग जो स्टीरॉयड यूज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, वो एक अलग केस है, उसका जिम से कोई लेना देना नहीं है, वो सिंथेटिक ड्रग्स यूज कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट उनकी बॉडी पे आएगा। बट नॉर्मली जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है वो एक्सरसाइज से सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही उठाएगा, ठीक है? तो आइडली नाउ कमिंग बैक, तो आपकी ACSM के हिसाब से आपको एटलीस्ट 150 मिनट कार्डियो करते हो आप हफ्ते में, आप उसको कैसे भी डिवाइड कर लो, वो आपके हार्ट को स्ट्रांग रखेगा। आप 200 से 300 मिनट कार्डियो करते हो तो आपको फैट बर्न करने में हेल्प करेगा। आप एटलीस्ट 2 या 3 दिन हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो आपके मसल्स को मेंटेन करने में और स्ट्रांग करने में वो आपको बेनिफिट देंगी। और सिमिलरली आप हफ्ते में 2 या 3 दिन अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी करते हो, 30 से 60 सेकंड का होल्ड करते हो हर एक स्ट्रेच में, तो उससे आप अपने ज्वाइंट की रेंज ऑफ मोशन बढ़ा और बेटर कर सकते हो। तो एक बड़ा बेसिक सा मोटा मोटा एक स्टाइल है जिससे आप समझ सकते हो कि आप अपनी स्ट्रेंथ की, कार्डियो की, फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग कैसे खुद से बेटर प्लान कर सकते हो या अपने कोच के साथ क्रॉस चेक कर सकते हो कि अगर उसने आपका कोई प्लान डिजाइन किया है वो सही है या सही नहीं है। सो आई गेस कुछ बेसिक्स आपको इस चैट में समझ आए हों। गणेश का कोई मैसेज आया तो अब मैं पढ़ रहा हूं, गणेश तुम्हारा मैंने पढ़ लिया, तो आई गेस सो लाइव में यही होता है, सो इधर आई टॉक एंड टीच यू व्हाट यू नीड टू लर्न रेदर देन योर इंडिविजुअल क्वेश्चन। तो जनरली जो मेरा लाइव का स्टाइल यही है कि आई आंसर यू ड्यूरिंग द जो भी चैट चल रही है रेदर देन आंसरिंग यू, जो टॉपिक है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो बड़ा है और सबके लिए है उसके बारे में बात करूं, क्योंकि जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं मैं हमेशा वेलकम करता हूं। आप किसी पोस्ट में कमेंट करो, मेरी जनरली कोशिश रहती है कि मैं उसका आंसर करूं, आप पर्सनल विंडो पे DM करो तो मैं उसका भी आंसर करने की हमेशा कोशिश करता रहता हूं, अगर 100% नहीं तो 80%। सो दैट इज हाउ इट इज, बिकॉज अगर क्लास मैं लाइव एक क्लास के तौर पे लेता हूँ रेदर देन यू नो आंसरिंग द क्वेश्चंस इंडिविजुअली, बिकॉज वो मैं अदरवाइज भी कर रहा हूँ, तो क्योंकि जो बाकी की रील्स हैं वो शॉर्ट फॉर्मेट में हैं तो उसमें बड़ा ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होता। यहाँ पे हम किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक, अगर आप लोग कुछ भी मैं 2-4 क्वेश्चंस आप में से लूंगा जो
टॉपिक्स ये रेलेवेंट होंगे, जिसमें हमने कार्डियो की बात की, जिसमें हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात की। सो सी नेहा ने पूछा, सी ए नेहा आई गेस इट मस्ट बी, कि क्या रूटीन होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि पूरे हफ्ते को आपने कंसिडर करना है, एक दिन को कंसिडर नहीं करना है। तो पूरे हफ्ते में आप लगभग 200-300 मिनट फैट लॉस के लिए कार्डियो कर सकते हो, 2-3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। क्रिटेन आप फैट लॉस के दौरान ले सकते हो, क्रिटेन का फोकस है आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना, सो देयर इज नो हार्म इन टेकिंग क्रिटेन। क्रैकिंग साउंड इन मोस्ट ऑफ योर जॉइंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, सो इट्स यू जनरली कैन इग्नोर इट। थैंक यू सो मच, किसी ने अपना नाम लिखा है, कोई नैतिक है, अपना पर्सनल नाम उसने कमेंट्स में लिखा है, अच्छा नाम है। वेट कम करने के लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए? तो स्लाइट डेफिसिट विल डेफिनेटली हेल्प्स। यही पूरी टॉक है आर्ची, जो मैंने, आप दोबारा से पूरी वीडियो को देखना, तो मैंने लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में सेशन में बात किया था, तो आप उसमें जा सकते हो, दैट विल हेल्प। चीट डे के बारे में अगर हम बात करें, तो ऐसा कोई डे या कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट यस, मतलब यू नीड टू फॉलो योर प्लान 80-90%। 100% अगर प्लान करने की कोशिश करोगे तो जल्दी मेंटली आप थक जाओगे और सब कुछ छोड़ के आप अपने पुराने लाइफस्टाइल पे आ जाओगे, गलत खाने वाले, कम एक्टिविटी वाले। सो इट्स बेटर अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप कुछ ना कुछ एक अपनी प्रेफरेंस का फूड मील खाते रहें वंस इन अ वाइल, बट उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर लें। जैसा हमने, हमारे बॉडी बिल्डिंग के जो कोच थे, दे टॉट अस कि जो टेस्ट बड्स हैं वो सिर्फ टंग पे हैं और अंदर नहीं है, आपके इंटेस्टाइन में कोई टेस्ट बड्स नहीं लगे हुए। तो जो आप आइसक्रीम आपकी पसंद है तो उसको जीभ पे रख लो और उसको वहां पे रख के एंजॉय करो, बजाय स्वॉलो करके अंदर निकलने के। तो यू विल गेट द सेम टेस्ट फॉर लॉन्गर रेदर देन ईटिंग 10 स्पून ऑफ आइसक्रीम। सो दैट इज स्मॉलर हैक, आई डोंट नो साइंस सपोर्ट्स इट और नॉट, बट इट इज अ हैक टू हेल्प यू टू हैव दिस। और कोई स्ट्रेंथ और कार्डियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन? हम डेली 700 कैलोरी बर्न किया तो क्या अच्छा है क्या? मैं सजेस्ट करता हूं कि अपने कैलोरीज कंजप्शन को सेम मत रखो, अपने कार्डियो की एक्टिविटी को सेम मत रखो, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उससे बॉडी स्टेग्नेशन में चली जाएगी या प्लेट्यू आएगा, उससे बड़ा यह है कि आपका मेंटल स्टेग्नेशन होगी। तो आप हर रोज सेम 600 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, सेम 5 किलोमीटर वॉक कर रहे हो, सेम 10 किलोमीटर वॉक कर रहे हो, सो मोर देन बॉडी योर माइंड विल गेट एग्जॉस्टेड एंड विल क्विट कि यार मैं नहीं कर सकता, ये बहुत बोरिंग है। और उसमें आपकी इंटेंसिटी और बढ़ने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर आप हर रोज बदल के कर रहे हो, जो मैं रिकमेंड करता हूं, तो आज 5 किया तो कल 3 कर लो, चौथे 6 कर लो या 7 कर लो, तो आपको पता है कि आप इंटेंसिटी और वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। थैंक यू दी यादव, थैंक यू सो मच। एंड फास्टिंग, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में एक अगले लेक्चर में बात करेंगे कि फास्टिंग हेल्प्स यू और नॉट। ओके, सो एक क्वेश्चन जो इसके रिगार्डिंग है कि डज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बर्न फैट। सो जैसा मैंने पहले बताया कि रेस्टिंग स्टेट में आप ज्यादा फैट बर्न करते हो, बट क्वेश्चन ये है कि कितना। सो अगर लेट्स से मैं वॉक करता हूं 1 मिनट बहुत कंफर्टेबल पेस पे, तो प्रोबेबली इस वॉक में मैं 8 कैलोरीज बर्न कर लूंगा। अगर मैं बैठा हुआ हूं तो शायद मैं 1 या 2 कैलोरीज बर्न करूंगा। तो जब मैं स्ट्रेच कर रहा हूं तो मेरी हार्ट रेट ऊपर नहीं जा रही है, तो मैं कम कैलोरीज बर्न करूंगा। तो यानी कि मैं 1-2 के बजाय 2-3 या 3-4 कैलोरीज बर्न कर लूंगा, और उसमें हायर परसेंटेज हालांकि फैट का रहेगा, बट वो टोटल कैलोरीज की कंजप्शन बहुत कम रहेगी। तो जब भी आपको अपने कैलोरीज कंजप्शन को काउंट करना है, तो मैं यही सजेस्ट करता हूं कि फोकस टू काउंट योर कैलोरीज जो आप अपने कार्डियो में बर्न कर रहे हो। इवन स्ट्रेंथ पे भी, जैसे मैंने पहले बताया कि आप फैट नहीं बर्न कर रहे ड्यूरिंग एक्टिविटी, कैलकुलेटेड वे एक ज्यादा बेटर वे है। तो ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग आप कार्ब्स बर्न कर रहे हो,
और उसका पोस्ट एक्सरसाइज इफेक्ट ज्यादा है तो उसकी कैलोरीज काउंट करने की जरूरत आपको नहीं है। आइडियली आप अपने कार्डियो की कैलोरीज को काउंट करोगे तो कैलकुलेशन में आपको आसानी रहेगी। स्ट्रेंथ में कंपैरेटिवली आप हमेशा कम कैलोरीज बर्न करते हो इन कंपेरिज मतलब जो कार्डियो के मुकाबले में, और फैट भी ड्यूरिंग एक्टिविटी आप कम बर्न कर रहे हो। ब्लैक कॉफी इज वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट मील जो आपको किक देता है, एनर्जी देता है और आपकी वर्कआउट और कहीं कुछ ना कुछ हद तक आपकी फैट के मोबिलाइजेशन को बढ़ाता है, यानी कि आप फैट ड्यूरिंग एक्सरसाइज ज्यादा यूज करते हो। जब मैं ज्यादा का बात करता हूँ तो ये जमीन आसमान का फर्क नहीं होता, ये चीजें 5-10% तक, जैसे ब्लैक कॉफी टी को वो माना जाता है कि फैट बर्निंग का प्रोसेस बढ़ाती है मेटाबॉलिज्म, तो 2-4% का खेल होता है। तो उसकी बजाय आपको फोकस बड़ी चीजों पर करना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बेस्ट फूड कौन से हैं मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए, ए बी सी डी ई, तो मैं कह रहा हूँ कि फूड का जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी जो कैलोरीज कंजप्शन है, जब हम बात करते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, तो 5-10% है, डिपेंडिंग अपॉन फूड आप कैसे खाते हो। अगर आप सिंपल कार्ब्स वाले फूड खा रहे हो तो उस पर आपकी बॉडी की कम एनर्जी लग रही है, वर्सेस आप हाई प्रोटीन फैट फूड खाते हो या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फूड खाते हो तो ज्यादा बॉडी की एनर्जी लग रही है उसको ब्रेक डाउन करने में, तो उससे आपका थर्मिक इफेक्ट फूड चेंज होता है। तो एक आधी फूड आइटम से उससे लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, 2-4% से कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। बाकी पूरे दिन में आप क्या करते हो, आपकी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट डिपेंडिंग अपॉन आपकी वेट ट्रेनिंग कितनी है, आपकी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, यानी कि आप पूरे दिन में कितने एक्टिव रहते हो, सारा दिन बैठे रहते हो, स्टेयर्स यूज करते हो, लिफ्ट यूज करते हो, गाड़ी दूर पार्क करते हो, चलते फिरते रहते हो, फोन चलते हुए सुनते हो, वो ज्यादा बड़ा डेफिसिट क्रिएट करेगा नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी का, और एक्सरसाइज के थ्रू आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हो। तो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो छोटे छोटे हैक जो आप इंटरनेट पे देख लेते हो, मेरी आपको यही राय है कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ शॉर्टकट है वीडियोज को प्रमोट करने के लिए, आगे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, खुद को मार्केट करने के लिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर ऑलवेज बेटर एनी गिवन डे, जिसे हम दूसरी भाषा में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की बात करते हैं, तो इट्स बेटर यू हैव हायर परसेंट ऑफ दैट। सिंपल कार्ब्स जो या दूसरी भाषा में हाई कॉम्प्लेक्स हाई जीआई फूड जो है वो आपको अवॉइड करने हैं या अपने फूड में कम रखने हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग या जो भी जितने ये सारे स्टाइल हैं, ऑब्वियसली उसके हेल्थ बेनिफिट फास्टिंग के अपनी जगह पे हैं, बट अगर बात फैट लॉस या वेट लॉस की आती है तो आइडियल आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट अगर कीटो की बात है क्योंकि आपके कार्ब्स कट हो गए हैं तो भी उसमें कैलोरीज की इनटेक कम हो जाती है, तो बाय डिफॉल्ट डेफिसिट है। जब फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात होती है तो आपकी खाने की विंडो छोटी रहेगी, तो आपका एक आधा मील उड़ जाता है, उसकी वजह से भी आपकी टोटल कैलोरीज की इनटेक कम हो जाती है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, टोटल जो फोकस है कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हो, आप फास्टिंग कर लो, आप कीटो कर लो, आप कैलोरी डेफिसिट कर लो, सो इवेंचुअली यू विल गेट रिजल्ट बिकॉज यू डूइंग कैलोरी डेफिसिट। सो आई गेस मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट था इस सेशन का बेस्ड ऑन टाइम हमने वो पूरा कर लिया है, एंड आई गेस यू गाइज हैड फन। And if you really had fun, please नीचे कमेंट में जब मैं इसको वीडियो को पोस्ट करूंगा वो भी लिखना मत भूलना। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे पर्सनल विंडो पे या आप कमेंट में जब ये मैं वीडियो दोबारा पोस्ट करूंगा आप वहां पे डाल सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। पॉजिटिवली बड़ी जल्दी और लाइव सेशन के साथ मिलेंगे। टेक केयर। बाय बाय।